नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर, आप लोग भी जाके से एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग भूकंप का अध्ययन करेंगे। भूकंप में पहले भूकंप की प्रकृति, भूकंप का परिचय, फिर उसका वर्गीकरण और भूकंप के कारण, भूकंप का प्रभाव मानव जीवन पर, भूकंप की भूकंप का माप जिसमें हम उसकी तीव्रता और परिमाण का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर इसके पड़ने वाले प्रभाव पर बात करेंगे। तो चलिए अब ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक, यानी भूकंप। भूकंप जैसे नाम से ही जानते हैं, पृथ्वी का या धरती का कांपना, धरती कांपना को इसको ही भूकंप कहते हैं। भूकंप में कुछ खास किस्म की तरंगें चलती हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। एल पी एस पी जी एस जी जैसी तरंगें हैं। इन तरंगों की जो गति करने की प्रकृति होती है, कुछ ऐसी होती है जैसे मान लीजिए ये एक तालाब है। तालाब में कहीं से कोई एक पत्थर फेंकता है, तो ये पत्थर फेंकने के बाद जैसे तालाब में जो जैसे तरंगों की गति होती है, जल की चारों ओर फैलने लगता है, वैसे ही भूकंप की तरंगें भी उसी प्रकार गति करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भूकंप को का रिकॉर्ड, भूकंप का अवलोकन, भूकंप मापी यंत्र या जिसको कि सिस्मोग्राफ बोलते हैं, सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। सिस्मोग्राफिक अध्ययन से पता चलता है कि सालाना पृथ्वी पर 8 से 10 हजार, जो पृथ्वी पर जो महाद्वीपीय भाग है, खासकर महाद्वीपीय भागों में 8 से 10 हजार भूकंप आते हैं। इसका मतलब है कि हर घंटे लगभग एक भूकंप कहीं ना कहीं वो आ रहा होता है। यदि हम महासागरीय भूकंपों को, जिसको अभिलेखित नहीं किया जाता, जिसको रिकॉर्ड अभी अच्छी तरह से नहीं किया जाता सारा, उसको यदि जोड़े तो ये कहीं कई गुना वृद्धि हो सकती है। या इस प्रकार कह सकते हैं कि हर जगह हमेशा कहीं ना कहीं एक भूकंप होता रहता। भूकंप एक नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि पृथ्वी के का जो धरातल है उसके बनने और बिगड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। भूकंप मापी यंत्रों के अध्ययन से, जो अध्ययन भूकंप मापी यंत्रों के द्वारा जो अध्ययन किया गया, उसमें हम देखते हैं कि भूकंप 50 से 100 किलोमीटर की तक की गहराई पर तक ही आते हैं। चलिए अब देखते हैं भूकंप के बारे में एक रेखा चित्र का। ये भूकंप का केंद्र, यानी इसको फोकस कहते हैं, फोकस, और ये यहां पर जो धरातल पर है इसको बोलते हैं इपिसेंटर। जो कि भूकंप का हिंदी में जैसे अधिकेंद्र बोलते हैं, और ऐसी रेखा जो एक समय में जहां भूकंपीय तरंगें पहुंचती हैं, इसको आइसोसेसिमल लाइन बोलते हैं। आइसोसेसिमल लाइन, सम भूकंप रेखा। और चलिए अब चर्चा करते हैं भूकंप के कारणों की, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। तो भूकंप के कारणों में कुल लग 6 कारण मूल रूप से जाने जाते हैं। जैसा है, पहला है एक वॉल्केनिक एरप्शन, क्योंकि वॉल्केनो का ज्वालामुखी उद्गार जो होता है, ज्वालामुखी उद्गार काफी शक्तिशाली होता है, एक तीव्र विस्फोट के साथ होता है, इसलिए वो आसपास की जो चट्टाने हैं, जो पृथ्वी की जो सतह है उसमें कंपन उत्पन्न करती है। और दूसरा है पृथ्वी का सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अर्थ, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी प्राचीन काल में, यानी कि पृथ्वी जो जब निर्माण हुआ तो पृथ्वी बिल्कुल मोल्डेड या पिघली हुई अवस्था में थी,
या अर्ध पिघली अवस्था में, और वो धीरे ठंडी होकर धीरे धीरे जमती जा रही है। और घन जैसे ही हम सभी जानते हैं कि ये द्रव की अपेक्षा ठोस का जो घनत्व है अधिक होता है, द्रव की अपेक्षा ठोस जो है कम स्थान घेरता है, और ये धीरे धीरे वो सिकुड़ती जा रही है। इस कारण से जैसे जैसे ठंडी हो रही है पृथ्वी सिकुड़ती जा रही है। इस सिकुड़ने के कारण भी पृथ्वी की क्रस्ट में, पृथ्वी का जो भूपरपट्टी है इसमें एक हलचल उत्पन्न होता है, एक भूकंप को जन्म देती है। दूसरा है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। वलन फोल्डिंग या फॉल्टिंग, वलन या भ्रंशन, इसमें होता यह है जैसे कि हम लोग देखते हैं यहां से ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि धरती पृथ्वी अर्थ जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो कई प्लेटों में बटी हुई है, और वो प्लेटें वो तैरती है, वो गति करती है। तो गति के दौरान किसी कारण से ऐसे वलन प्लेटों में ऐसे कुछ या इतना तीव्र नहीं या कुछ यूं वलन उत्पन्न हो जाता है। जब एक जगह एक किसी खास इलाके में जब वलन हो तो उसके विपरीत कहीं दूर एक भ्रंशन की जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और वो टूटने लगता है प्लेट, और फिर एक शॉक वेव एक प्रभाव उत्पन्न होता है, शॉक उत्पन्न होता है जिसके कारण भूकंप देखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वलन और भ्रंशन का एक उदाहरण है मतलब बिहार में 1934 का भूकंप, असम में 1950 का, और उत्तरकाशी 1991 का। फिर है दूसरा भूसंतुलन, यानी नेक्स्ट है जियो आइसोस्टेसी। अर्थात भूसंतुलन मतलब कि कुछ ऐसी स्थिति है जब मान लीजिए एक दो ऐसी स्थलाकृति है और ये नीचे क्रस्ट पर किसी कारण से समय पर इसका इरोजन नहीं हो पाया और ये धीरे धीरे इरोड होता जा रहा और ये पूरी तरह लगभग इरोड हो गया है। अब यदि देखें यहाँ पर तो इसका दबाव यहाँ पर ये जो स्थिति है ये जो भाग है इसका दबाव क्रस्ट के नीचे यानी कि मेंटल मैग्मा पर ज्यादा पड़ेगा और इसका कम। ऐसी स्थिति को बैलेंस करने के लिए जब लावा का प्रवाह ऊपर की ओर होगा तो इस ऐसे में भी भूकंप देखा जाएगा, भूकंप रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इलास्टिसिटी के कारण ये जो हमारा जो क्रस्ट है, क्रस्ट में जो इलास्टिसिटी इसके कारण भी भूकंप होता है। इसको बोलते हैं इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी। इसमें प्लेटें रबड़ की तरह एक तरफ तन जाती है, जैसे कि हम देख सकते हैं तो ये जगह तो थोड़ा कम है, कैमरा मैन इस पर फोकस करेंगे। ये एक प्लेट है, सपोज ये ऐसे गति कर रहा है और किसी कारण से इस क्षेत्र में ये गति धीमी पड़ जाती है, ऐसे में भी इस क्षेत्र में ये इधर, और फिर ये धीमी पड़ने के कारण ये एक तनाव उत्पन्न होगा और इलास्टिसिटी के कारण ये फिर एक जोर से एक शॉक झटका उत्पन्न होगा जो कि भूकंप को जन्म देगी। चलिए छठा और आखिरी कारण है भूकंप का, और जो कि सबसे मजबूत का जिसको कि सबसे महत्वपूर्ण कारक मान सकते हैं जिससे सबसे ज्यादा भूकंप देखे जाते हैं, वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थात प्लेटों जो भूपरपट्टी जो प्लेटों में बटी हुई है उन प्लेटों के बीच की जो गति है उनका जो संचलन है इसको प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। इसके कारण जो भूकंप होता है उसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, तो हम देख सकते हैं कि चाहे वो हिमालय क्षेत्र में आने वाला भूकंप हो या फिर
प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट यानी जापान इंडोनेशिया आदि क्षेत्रों में जो जिसे हम प्रशांत महासागर का अग्निवलय या फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन कहते हैं, इस क्षेत्र का भूकंप हो, ये प्लेटों के खिसकने से आगे पीछे होने की वजह से होता है। और ये जो प्लेट टेक्टोनिक से आने वाले भूकंप है मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक होता है कन्वर्जेंस बॉन्ड, दो प्लेट बाउंड्रीज पर आने वाले भूकंप दो तरह के होते हैं, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, यानी एक अपसारी और अभिसारी। अभिसारी प्लेट, वो अभिसारी भूकंप कुछ ऐसा होता है जबकि दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही होती है, जब एक दूसरे के करीब आ रही है इसे बोलते हैं अपसारी, अभिसारी, और जब दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही होती है तो इस तरह से आने वाले भूकंप को अपसारी भूकंप कहते हैं। और ये जो अभिसारी जो गति है, अभिसारी गति से आने वाले भूकंपों के कारण ही सुनामी का निर्माण हो, सुनामी की उत्पत्ति होती है। हम सभी सुनामी से आज परिचित हैं, 2004 में आए भारत में तो आए सुनामी को कौन भूल सकता है, एक बेहद त्रासद अनुभव रहा है भारत के लिए। उसके बाद जापान एक ऐसा देश है जो कि लगभग समय समय पर इसका अनुभव करता रहता है, और इसके लिए वो वहाँ देखा जाता है कि अक्सर ये भूकंपों के कारण भूकंप और सुनामी आते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। किसी स्थान पर भूकंप की तीव्रता, वहां पर भूमि में गति तथा मानव पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अनुसार भूकंप की तीव्रता एक से बारह तक होती है, और ये भूकंप की तीव्रता है। भूकंप की तीव्रता मर्केली स्केल पर रिकॉर्ड किया जाता है। हम लोग अक्सर ये कंफ्यूज कर जाते हैं मर्केली और रिक्टर में। चलिए रिक्टर के बारे में अभी बात करेंगे, पहले इसको मर्केली को देख लेते हैं। मर्केली स्केल जो है भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। चलिए अब देखते हैं भूकंप का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। किसी भी स्थान पर भूकंप द्वारा निर्मुक्त की गई कुल ऊर्जा के आधार पर भूकंप का परिमाण ज्ञात किया जाता है। भूकंपीय तरंगों के आयाम यानी एम्पलीट्यूड, त्वरण, एक्सेलरेशन, आवृत्ति आदि पर आधारित होती है यह मैग्नीट्यूड, और इसे भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। और यानी सिस्मोग्राफ पर मर्यादक की इंटेंसिटी भी सिस्मोग्राफ पर ही रिकॉर्ड की जाती है, परिमाण भी यही। भूकंप का परिमाण रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। यह एक लॉगरिथमिक टेबल होता है, यह एक लॉगरिथमिक डाटा है या लॉगरिथमिक स्केल है जिसकी कोई उच्चतम सीमा नहीं होती है, इसकी कोई भी उच्चतम सीमा नहीं होती है। अब तक जो पृथ्वी पर अधिकतम परिमाण का जो भूकंप रिकॉर्ड किया गया वो 9 के आसपास, रिक्टर स्केल 9 के आसपास है, रिक्टर स्केल 9 के आसपास है, जो कि सबसे ज्यादा त्रासद रहा है। और इसमें रिक्टर पैमाने पर 1 से 2 अंकों के बीच, जैसे मान लें कि रिक्टर पर 1 रिकॉर्ड किया गया, 2, 3, 4, 5, तो इसका और इसके बीच यहां जो प्रभाव होगा इसका 10 गुना ज्यादा होगा। यहां पर तीसरे पर जो होगा ये 2 से 10 गुना ज्यादा होगा, फिर ये इससे भी 10 गुना इसमें ज्यादा होगा, इसका 10 गुना ये होगा, ऐसा ये परिमाण कुछ इस प्रकार वृद्धि होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का जो वितरण है, जैसा हम लोग जानते हैं कि जो ज्वालामुखी जो है पृथ्वी पर, ज्वालामुखी एक खास पैटर्न में वितरित है पृथ्वी पर, चाहो वैसे ही ये भूकंप का भी खास पैटर्न देखा गया, उसी पैटर्न को आज हम इसके माध्यम से समझेंगे, इसमें समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट अब देखते हैं भूकंप का डिस्ट्रीब्यूशन मैप पर, जो अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन मैप पर। पहला है प्रशांत महासागर ये पेटी यानी पैसिफिक ओशियन बेल्ट। ये जो पैसिफिक ओशियन बेल्ट है ये प्रशांत महासागर के या पैसिफिक ओशियन के पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट पर देखा गया, जिसमें पश्चिमी तट की बात करें तो यहाँ पर हमारा ये है कमचटका पेनिनसुला है, कोरियाक रेंज, यहां से होते हुए ये हमारा ये न्यूजीलैंड तक जाएगा। और ये जैसे कि हम लोग जानते हैं जापान और इंडोनेशिया
फिलीपींस, सुमात्रा वगैरह, ये जो इलाका है जो भूकंप को लेकर काफी संवेदनशील रहा है, कभी अक्सर यहाँ पर तेज भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए जाते हैं। 2004 में जो भारत में सुनामी आई थी उसकी उत्पत्ति भी इसी क्षेत्र में देखी गई थी। उसके बाद ये जो हमारा है अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, ये भी एक काफी सक्रिय है भूकंप की दृष्टि से, जिसमें चिली और पेरू ये चिली का तट जो है ज्यादा ही सक्रिय है। और इन क्षेत्रों में कुल भूकंप का 68% यानी 68% भूकंप इन क्षेत्रों में आता है, चाहे चिली हो, कैलिफोर्निया हो, अलास्का, जापान, फिलीपीन, न्यूजीलैंड। और बाकी एक जो इसकी जो मध्य महासागरीय वाली मिड ओशिनिक जो रीजन है, यहाँ भी जो ओशिनिया का रीजन है, ये भी मतलब भूकंप की दृष्टि से काफी सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट है मिड वर्ल्ड बेल्ट। इस पेटी में 21% भूकंप आता है, इस बेल्ट में जो कुल भूकंप का 21% आता है। यह पेटी मैक्सिको से शुरू होकर ये अटलांटिक ओशियन होते हुए मेडिटेरियन सी और इसके रास्ते हिमालय से फिर ये यहाँ पर ये जैग्रोस माउंटेन, हिंदू कुश, फिर उसके रास्ते पामीर नॉट से फिर हिमालय फिर अराकान योमा के रास्ते, फिर इसके साथ ये अंडमान निकोबार द्वीप से यहाँ तक आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मिड अटलांटिक बेल्ट। आखिर वास्तव में ये एक प्लेट मार्जिन है, दो चार अलग प्लेटों का समझ लीजिए। एक तो हमारा ये अफ्रीकन प्लेट है, दूसरा यूरेशियन प्लेट इधर से ये, और अमेरिकन प्लेट, दोनों इनके जो मार्जिन है के कारण बीच में ये एक कटक महाद्वीपीय कटक, एक ज्वालामुखी लावा उद्गार से एक महाद्वीपीय कटक का निर्माण होता है। कुछ इसकी स्थिति कुछ ऐसी है, एस आकृति में आप इसको देख सकते हैं, मिड अटलांटिक बीच जो है। और ये एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र भी है, क्योंकि लावा उद्गार होता रहता है इस क्षेत्र में, और ज्वालामुखी वॉल्केनिक रूप से जब ये वॉल्केनो भी यहाँ सक्रिय है, इसके कारण ये सिस्मिकली भी एक्टिव है। अन्य पेटियों के बारे में देखें, चौथा हमारा है, इसमें अलग अलग क्षेत्र छोटे छोटे हमारा ये एक है, ये नील से लेकर, एक तो पहले यहाँ देख सकते हैं नील से लेकर यहाँ रेड सी की ये लेक रीजन को देख सकते हैं, और लेक और रिफ्ट वैली से होते हुए यहाँ तक हमारा ये अफ्रीका के दक्षिणी भागों तक यहाँ तक आता है। अब देखते हैं इसके प्रभावों के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भूकंप काफी त्रासदी लेकर आता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ हम भूकंप को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भूकंप से लोग नहीं मरते, लोगों को नुकसान होता है उसकी बनाई हुई कमजोर संरचनाओं के कारण। भूकंप एक प्राकृतिक और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि पृथ्वी का जो धरातल हमारा जो क्रस्ट है, जो दृश्य भूमि के जो टोपोग्राफी के जो भू आकृति हम अपने आसपास देखते हैं, उसके निर्माण में भूकंप का बहुत बड़ा योगदान है। अब एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत, लाखों हजारों भूकंप के बाद हिमालय का निर्माण हुआ। यदि आज यहाँ पर हिमालय नहीं होता तो ऐसा कहा जाता कि इस क्षेत्र में यह एक रेगिस्तान होता। ऐसे में हम कह सकते हैं कि भूकंप पृथ्वी का प्रकृति का एक वरदान है मानव सभ्यता के लिए, लेकिन क्योंकि हम इसके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, जो जिसके कारण हम पर इसका एक दुष्परिणाम होता है, हम इसके दुष्परिणाम को भुगतने के लिए विवश हो जाते हैं, चाहे वो सुनामी के रूप में हो या फिर अन्य भूकंप, जैसे भारत में पिछले दिनों आए भूकंप, जैसे गुजरात का भूकंप देखें, भुज का भारत और उसके आसपास, फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आया भूकंप, और फिर 2015 का नेपाल में आया भूकंप। ये भूकंप काफी त्रासद रहे हैं, लेकिन हर बार ये देखा गया कि जो भूकंप अर्थक्वेक प्रूफ जो बिल्डिंग्स है, जो स्ट्रक्चर्स है, वो भूकंप की त्रासदी को कम से कम कर सकता है।
और चलिए आज के इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमें और मनोबल हमारा बढ़ता रहे और हम अधिक से अधिक वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।